नमस्कार दोस्तों, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे फोन्स के बारे में जो आप 20,000 रुपए से नीचे खरीद सकते हैं, एंड मैं बताऊंगा उनके प्रोज कॉन्स के बारे में ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। एंड देखो, मेरा मानना यह है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइस पॉइंट है जहां पे आपको एक बैलेंस कैमरा परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट फोन्स मिल जाते हैं जिससे आप गेमिंग वगैरह भी कर पाएंगे। तो आइए पता लगाते हैं उन फोन्स के नाम, शुरू करते हैं हम टेक की बात कैनिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 7 बेस्ट फोन्स के बारे में बताऊंगा जो आप 20,000 रुपए से नीचे खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले अ वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स। तो यहां पे दोस्तों डॉक्टर फोन वर्चुअल लोकेशन ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। एंड वर्चुअल लोकेशन क्या होता है, आप इस पर्टिकुलर ऐप से अपने जो फोन की जो लोकेशन है उसको वर्चुअली चेंज कर सकते हैं। अब इसके दोस्तों जो यूज केसेस हैं बहुत सारे हैं। समझ लो, अगर आप पोकेमॉन गो जैसे कोई गेम खेल रहे हैं तो वहां पे आप वर्चुअल लोकेशन सेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहां पे मूविंग लोकेशन भी देख सकते हैं जो कि वर्चुअल हो। मतलब अगर आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट सेट किया है, उसके साथ आपने एक एंड पॉइंट डेस्टिनेशन सेट किया है, फिर आप उसमें अपना जो किलोमीटर पर आ रहा है, जैसे आप साइकिलिंग चाहिए, वॉकिंग चाहिए, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड वो वर्चुअल लोकेशन दोस्तों यहाँ पे मॉक करेगा। तो समझ लो, अगर किसी ने आपसे व्हाट्सएप में पूछा कि भाई तू कहाँ है, मुझे लाइव लोकेशन सेंड कर, एंड आपको वहाँ पे उस बंदे को मतलब नहीं बताना है कि आप कहाँ हो, और आप ये बताना चाहते हो कि भाई मैं कॉलेज से निकल करके घर जा रहा हूँ, कहीं से भी कहीं जा रहा हूँ, तो वो दोस्तों आप इस ऐप से कर पाएंगे। एंड जब हो जाए तो आपको बस फोन को रीस्टार्ट करना है, फोन को आपको अनप्लग कर देना है, और ये जो दोस्तों लोकेशन है वापस से वैसी की वैसी हो जाएगी जैसे कि होती है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ऐप है, एंड मैं इस वीडियो के नीचे दोस्तों आपको इसके डाउनलोड लिंक्स दे दूंगा जहां से आप उसे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अब नजर डालते हैं हम बेस्ट फोन्स पे जो आप 20,000 रुपए से नीचे खरीद सकते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला नाम है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो F17 दोस्तों आता है 6GB रैम विद 128GB स्टोरेज 16,990 रुपए का। एंड यहाँ पे आपको 6.44 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन में है। अब यहाँ पे अगर प्रोसेसर की बात करें तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इतना पावरफुल नहीं मिलता है, स्नैपड्रैगन 662। लेकिन इस फोन को दोस्तों अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसका जो डिस्प्ले है वो अच्छा है, दूसरा दोस्तों इसका जो ओवरऑल डिजाइन है, जो फॉर्म फैक्टर है, काफी पतला है, काफी स्लीक है, एंड देखने में बढ़िया लगता है। अब यहाँ पे कैमरा जो है इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ऑफलाइन सेंट्रिक मार्केट से, मतलब ऑफलाइन मार्केट से अगर आप फोन खरीदना चाहते हैं तब भी आप इस पर नजर डाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों ओप्पो की तरफ से ओप्पो F17। अगला फोन है दोस्तों मोटोरोला की तरफ से, मोटो वन फ्यूजन प्लस एंड 6GB रैम विद 128GB स्टोरेज आता है ये स्टॉक एंड्रॉइड के साथ। स्नैपड्रैगन 730G का दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है, तो प्रोसेसर वाइज बढ़िया है। लेकिन इस फोन के दोस्तों जो डिजाइन है और जो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है वो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, एंड काफी हैवी भी है। अब देखो, यहाँ पे आपको पॉपअप कैमरा मिलता है, 48MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा। तो आई थिंक ये वन ऑफ द लास्ट फ्यू फोन्स हैं जो पॉपअप कैमरे के साथ आएंगे, मतलब रेडमी K20, K20 Pro तो है, लेकिन आई थिंक इसके बाद पॉपअप कैमरा नहीं आने वाला है। अब स्टॉक एंड्रॉइड एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है, मतलब कोई एड्स नहीं है, कोई ब्लोटवेयर्स नहीं है, एंड काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है। अब देखो, 90Hz का भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं देखने को मिल रहा है, तो पोको X3 के सामने अगर आप इसको रखते हैं तो उस चीज़ की कमी रह जाती है। सो अगर आपको एक अच्छा डिसेंट कैमरा चाहिए विद स्टॉक एंड्रॉइड एंड डिज़ाइन वाइज ठीक है, आपको मतलब चल जाएगा, तब आप इस फोन को खरीदने का सोच सकते हैं। इसका फुल ऑन रिव्यू हमने कर रखा है तो उसके भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। अब अगला फोन है दोस्तों लिस्ट में Vivo V20 SE जो आता है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। अब इस पर्टिकुलर फोन की दोस्तों डिजाइन काफी बढ़िया है, लेकिन अगर आप प्रोसेसर पर नजर डालें तो वो दोस्तों यहां पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 665। मतलब पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, बट जो डेली यूज के जो काम होंगे उसमें चल जाएगा। गेमिंग यहाँ पे आप लोएस्ट सेटिंग में कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी चीज है, एंड बैटरी चार्जिंग एंड बैटरी दोस्तों यूसेज में ये फोन बढ़िया है। अब देखो, इस फोन का रिव्यू हम हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द करेंगे तो आप उसमें भी नजर डाल सकते हैं, एंड रिव्यू दोस्तों जब उसका लाइव हो जाएगा हम नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स अपडेट कर देंगे। तो वीवो की तरफ से अगर आपको एक स्टाइलिश लुकिंग फोन चाहिए जिसमें आपको डिसेंट कैमरा मिलता है तब आप इस पर नजर जरूर डालें। बढ़ते दोस्तों अगले फोन की तरफ जो कि सैमसंग की तरफ से, एंड यहां पे मैं दो फोन्स के बारे में बैक टू बैक बताऊंगा। सबसे पहले तो सैमसंग गैलेक्सी M31S एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, बहुत ही बड़ी, यहां पे आपको 6000mAh की बैटरी मिलती है, 25W की चार्जिंग में मिल जाएगी। अब फोन दोस्तों थोड़ा सा हैवी है, एंड डिजाइन वाइज यहां पे पुराने सैमसंग गैलेक्सी M31
के मुकाबले बेटर काम किया है। तो ओवरऑल दोस्तों आपको यहाँ पे सैमसंग कोर यूआई मिलता है जिसमें कोई एड्स नहीं है, कोई ब्लोटवेयर्स नहीं है, एंड सैमसंग लवर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होगा जो कि बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ देता है एंड अब चार्ज भी जल्दी होता है। अब इसके बाद दोस्तों एक और फ़ोन है वो भी सैमसंग की तरफ से जो मैं रिकमेंड करूँगा। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या करेगा M31 नहीं, ए सीरीज का दोस्तों A50s। एंड ये जो पर्टिकुलर फोन है यहाँ पे अब आपको देखो थोड़ा सा पुराना लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है। इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में आपको यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, वही सेम प्रोसेसर मिलता है जो आपको सैमसंग गैलेक्सी M31s में मिलता है। इसी के साथ साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। अब बैटरी दोस्तों 4000 mAh के आसपास है लेकिन उसके साथ आपको क्या मिलता है भैया, एक बढ़िया सा डिजाइन, बहुत ही स्लीक डिजाइन है। एंड अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी M31s बहुत बल्की लगता है एंड आपको उसी तरीके का कैमरा चाहिए एंड उसी तरीके का परफॉर्मेंस चाहिए, वही सेम ओएस चाहिए और ऑफलाइन मार्केट से अगर खरीदना है तो आप A50s पे नज़र डाल सकते हैं। वैसे अमेजोन पे भी अवेलेबल है एंड हम डायरेक्ट डाउनलोड सॉरी नॉट डाउनलोड लिंक्स डायरेक्ट बाय लिंक्स आपको हर एक फोन के इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ दोस्तों डाउनलोड नहीं होंगे। दोस्तों सेकंड लास्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पोको की तरफ से, पोको X3। एंड ये फोन आता है स्नैपड्रैगन 732 जी प्रोसेसर के साथ, काफी बढ़िया प्रोसेसर है अगर आप गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी विद फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। तो देखो इस पर्टिकुलर फोन में ना प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप जी कैम अगर लगाओ तो फोटोज भी अच्छी आती है, लेकिन एक जो कमी है जो मुझे इसके फुल ऑन रिव्यू में भी लगी कि भाई काफी भारी है, मतलब 225 ग्राम के आसपास दोस्तों इसका कवर के साथ तो 250 ग्राम के आसपास वेट हो जाता है। तो डे टू डे यूसेज में अगर आपको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए एंड इतना ज़्यादा वेट का फ़र्क नहीं पड़ता है तब आप इसको खरीदने का सोच सकते हो। लेकिन हाँ MIUI में आपको एड्स नहीं देखने को मिलेंगे, ब्लोटवेयर्स हैं ऑफकोर्स एंड ओवरऑल दोस्तों अपडेट्स वगैरह में हम जानते हैं कि Xiaomi यहाँ पे सॉरी पोको यहाँ पे काफ़ी टाइमली अपडेट्स भी देता है। तो एक चीज़ जो आप इसमें ठीक नहीं कर सकते वो इसका फॉर्म फैक्टर, लेकिन उसके अलावा अगर आप जी कैम वगैरह इंस्टॉल कर लो या फिर उसको फ्लैश करके स्टॉक एंड्रॉइड अगर डाल लो तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। एंड दोस्तों फाइनल फोन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रियलमी की तरफ से, रियलमी 7 Pro। तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिलता है 6.4 इंच के फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। इसी के साथ साथ आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा और 4500 mAh की बैटरी विद 65W चार्जिंग। तो देखो लास्ट के जो दो फोन्स हैं ना उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है डिस्प्ले में। एक फोन में पोको X3 में दोस्तों आपको 120Hz विद LCD डिस्प्ले मिलता है और Realme 7 Pro में आपको 60Hz विद सुपर AMOLED डिस्प्ले। अब देखो मुझे सुपर AMOLED डिस्प्ले ज़्यादा पसंद है, ब्लैक लेवल्स बहुत बढ़िया आते हैं एंड इसलिए मैंने उसको रिकमेंड किया। लेकिन अगर आपको वीडियोज़ वगैरह इतने नहीं देखने हैं तब आपको 120Hz सुपर AMOLED की जगह LCD भी अच्छा लगेगा। तो ये दोस्तों अब आपके पॉइंट पे है, आपको जो डिस्प्ले यूज़ करना है, जो आपको डिस्प्ले प्रेफर करना है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देखो 7 Pro में क्या है कि 65 वॉट की चार्जिंग मुझे 6000 mAh की बैटरी से काफ़ी बहुत बेटर लगी बिकॉज फॉर्म फैक्टर बढ़िया है, फोन इतना ज़्यादा बल्कि नहीं होता है एंड 65W चार्जिंग यार 20 मिनट में चार्ज कर सकता है फोन को एक दिन के लिए। तो ये दोस्तों एक ओवरऑल ज़्यादा प्रैक्टिकल फोन लगा मुझे एंड यूसेज के हिसाब से देखो 720 एंड 732G में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे फोन जो आप इस महीने 20,000 रुपये से नीचे खरीद सकते हैं। वैसे 10 और 15 के वीडियो ऑलरेडी लाइव हैं, प्लीज़ उन पर नज़र ज़रूर डालिएगा एंड ये वीडियो दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।